लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हेलो एवरीबॉडी। मैं एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और इस वक्त एयरपोर्ट पे मैं अकेला हूं। आप देखो, तो पिछले एक वीक से मैं बड़ौदा आया हुआ था। मेरे मॉम डैड, अगर आप लोगों को नहीं पता, वो बड़ौदा में रहते हैं। मैंने अपनी स्कूलिंग और इंजीनियरिंग बड़ौदा से करी है, तो आई हैव माई रूट्स हियर एंड आई लव कमिंग टू बड़ौदा एवरी सिंगल टाइम। और यहाँ से वापस जाने में काफ़ी बुरा लगता है बिकॉज आप घर छोड़ के जा रहे होते हो, बट काम है तो जाना तो पड़ेगा ही। तो फाइनली मैं जा रहा हूँ चेन्नई 5 डेज़ के लिए, और वहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा शूट है, और वहाँ से मैं सीधा जाऊँगा बॉम्बे। तो आज जो दिन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ से मेरा डायरेक्ट फ्लाइट तो होता नहीं है बड़ौदा से। तो यहाँ से मैं जाऊँगा हैदराबाद, हैदराबाद से फिर जाऊँगा चेन्नई। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30, मेरी फ़्लाइट है 11:30 की, और मैं चेन्नई पहुँचूँगा हमको 6 बजे। 1:30 तक मैं हैदराबाद पहुँच जाऊँगा, वहाँ जाके लंच वंच करेंगे, बाकी ब्रेकफास्ट करके मैं निकल चुका हूँ। तो आई होप कि आज का दिन बड़ा मज़ेदार हो, और आप बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आएगा देखकर। तो मिलते हैं आपको हैदराबाद में। और बड़ौदा एयरपोर्ट है ना, बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ पे कुछ करने के लिए ज़्यादा होता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप YouTube देख सकते हो, या कोई Netflix पे कोई मूवी लगा के देख सकते हो। मैंने कुछ मूवीज़ डाउनलोड करी है, तो आज का ट्रैवल मेरा पूरा वो देखने में ही हो जाएगा। फेस मास्क जरूर उतार लें, और दूसरों की सहायता करने से पहले अपना मास्क सही तरीके से पहन लें, और मोबाइल फोन को। खाना वाना खा लिया है मैंने, लंच कर लिया है, वो तो आपने देखा ही कि मैंने लंच में क्या किया है। आजकल है ना, ये हो गया कि लाउंज में पहले जो बूफे होता था, अब वो वैसा नहीं है। अब सब कुछ फिक्स्ड थाली में आता है, सब ऑलरेडी पैक करके वो लोग देते हैं, ज़्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं, तो जो है उसी में काम चलाना पड़ता है। अब मैं बैठा हूँ, अपना टाइम किल कर रहा हूँ यहाँ पर बैठ के, और पता नहीं क्यों मेरा कान दुख रहा है आज, लेफ्ट कान दुख रहा है मेरा, क्या पता। चलो, अभी 1.5 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है, तो जाएँगे यहाँ से। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं चेन्नई पहुंच चुका हूं टाइम से 20 मिनट पहले। मैं थक गया हूं बहुत आज, क्योंकि सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं तो हालत ख़राब हो गई, बहुत बोर हो गया हूं, थक तो क्या गया हूं। अभी मैंने मेरी गाड़ी बुलाई है, वो 15 मिनट के अंदर आएगी, और जो मेरा होटल है वो यहां से 30 मिनट्स दूर है। तो आपको दिखाते हैं कि होटल कैसा है। तो दोस्तों, मैं कैब में बैठ चुका हूँ, और हमारे जो ड्राइवर भाई साहब हैं उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं आती है, पहली अपडेट। दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ से मेरा होटल 1 घंटा दूर है। दोस्तों, रूम के अंदर मैं पहुंच चुका हूं, अभी बजे हैं 7:30। मुझे एयरपोर्ट से मेरे रूम तक आने में 1 घंटा लग चुका है। अब मैं आपको दिखाऊंगा आज के वीडियो का हाईलाइट, यानी कि मेरा रूम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत होती है यहां से, यहां से आप एंटर करेंगे, और उसके बाद यहां से आप आएंगे, और ये देखिए, और ये हमारा आ गया है वेलकम ड्रिंक। आई ऑल्सो नीड अ सीजर टू कट दिस। तो दोस्तों, ये एयरपोर्ट वाले ने पुंगी बजाई है बैग की, इसको काटने के लिए सीजर चाहिए, नहीं तो हमारा बैग ही नहीं खुलेगा, इसको प्लीज काट दो आप। तो मेरा वेलकम ड्रिंक आ गया है, हालांकि रूम में एंटर करने के बाद आया, मैं आपको पी के बताता हूँ कैसा ये। आपको टेस्ट आया क्या? मैं यहाँ से पी रहा हूँ, लेकिन टेस्ट आप तक पहुँचना चाहिए। अगर आ गया हो तो कमेंट में बताना किसका टेस्ट है ये। मैंने एक चीज दिखाता हूँ आपको, देखना है ये वाले पे, इस पे ध्यान देना, ठीक है? ये देखो, ये बंद हो गया और ये चालू हो गया, है ना, मस्त। यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको,
तो ये है सिटी व्यू जो आपको सुबह देखने को मिलेगा। मैंने मुंह धोने से पहले ही आपको रूम टूर इसलिए दे दिया क्योंकि एक मिनट के अंदर अब इस रूम की पूरी वाट लगने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं पहले आपको रूम टूर दे दूं ताकि अच्छे से दिखा पाऊं। अब सब गंदा हो जाएगा क्योंकि सब अब बैग वैग खुलेगा, तो आपको मिलेंगे अब आराम से। और शूट मेरा कल से है और आज होने वाला है मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल भी, जो शूट के लिए मुझे कपड़े लगेंगे, जो मेरा कॉस्ट्यूम है उसका भी हम ट्रायल करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बने रहो देखने के लिए, तैयार हो जाओ कि मेरे को कॉस्ट्यूम क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि ये 3 दिन का शूट है, 4 दिन का शूट है, तो मेरे बहुत सारे कॉस्ट्यूम्स हैं। दोस्तों खाना आ चुका है, मेरा कॉस्ट्यूम ट्रायल हो गया, बट मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि इट्स नॉट अलाउड एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे। अगर कल परमिशन मिल जाएगी तो मैं कॉस्ट्यूम पहन के ही आपको दिखा दूंगा, बट फिलहाल खाना आ चुका है, मैं आपको खाना दिखाता हूँ। तो ये देखिए आज खाने में क्या क्या आया है। ये है पापड़म, और ये है हमारी रोटी, और ये है हमारी सब्जी। सुपर गाइस, मैं क्या बताऊं आपको यार, यहाँ पे लोगों को बोलते हैं कि रोटी भेजो, तो उन्होंने बोला ओके सर मैं रोटी भेजता हूँ, और जो रोटी के जगह पराठा आ गया। यहाँ के लिए रोटी और पराठा सेम है। सो यार अब मुझे समझ में आ गया कि नेक्स्ट 3-4 डेज आई गोना बी टफ इन टर्म्स ऑफ ऑर्डरिंग फूड, गोइंग टू प्लेसेस, बिकॉज यहाँ पे लोगों बोलते कुछ हैं और होता कुछ है। फॉर एग्जांपल इस होटल में जिसमें मैं रुका हूँ उसका नाम है रेजेंटा, और जब मैंने बोला रेजेंटा जाना है तो वो बोलता है, उसको किसी से पूछना था तो उसने बोला अजंता होटल, अजंता होटल। तो भाई यहाँ पे नाम वाम का बड़ा गड़बड़ है, यहाँ लोगों की अपनी लैंग्वेज चल रही है। इट्स गोना बी टफ फॉर मी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग हियर। आपको मिलेंगे कल, क्योंकि कल सुबह मेरा शूट है, शूट के लिए मुझे सुबह 6:30 पे उठना पड़ेगा, विच इज़ ओके। तो आपको मिलते हैं कल।